सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इंसान की नियत अगर साफ नहीं तो इतना भी बड़ा बनने की कोशिश करे छोटा ही रहेगा। मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। खुद को कभी अकेला महसूस ना करें क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ है। एक अच्छा विचार अनेक बुरे विचारों को नष्ट कर सकता है। आज का पंचांग 4 नवंबर 2024 दिन सोमवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि, रात्रि 11:24 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र सुबह 8:04 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:01 से 9:24 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:32 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। व्रत और त्योहार की बात करें तो आज है सोमवार व्रत। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए जरूरी सूचना, हमारा टेलीग्राम चैनल बन गया है जहाँ पर जल्द ही प्रत्येक दिन एक सब्सक्राइबर का कुंडली बनाकर दिया जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री होगा। तो जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिथुन राशि 4 नवंबर 2024 दिन सोमवार, दिन के आगे बढ़ने के साथ चिंता भी बढ़ेगी लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने तक हिम्मत ना हारे। हारना या जीतना नहीं आपके प्रयास सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपने निरंतर प्रयास किए हैं लेकिन अभी इन्हें बनाए रखना होगा। समस्याओं के तह तक जाने की कोशिश करें ताकि इन्हें हमेशा के लिए खत्म कर सकें। अवरोध पीड़ा या वाद विवाद आपकी खुशियों में बाधा बन सकती है। काम में अपने प्रयास जारी रखें और आप समस्याओं में भी समाधान ढूंढ पाएंगे। दुश्मनों की बातों को अनदेखा करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके शुभचिंतक हैं। आपके प्रयास आपको नाम और प्रसिद्धि दोनों दिला सकते हैं। आपका जबरदस्त रवैया आपके साथ काम करने वालों को भी प्रभावित करेगा। आप आज अथक काम करेंगे किंतु इसका परिणाम भी शानदार होगा। छोटे छोटे समस्याओं से खुश ना हो, बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें अन्यथा चोट लगने की आशंका बन रही है। आज माता पिता और उच्च अधिकारियों की कृपा से आपको कोई मूल्यवान वस्तु मिल सकती है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। संतान की फिजूल खर्ची के कारण आज आप थोड़ी चिंतित रहेंगे। जीवन साथी के साथ किसी रिश्तेदारी में जाने का मौका मिलेगा जहां काफी मेहमान नवाजी देखने को मिलेगी। किसी से भी धन का लेन देन करने से बचें अन्यथा नुकसान होने की आशंका बन रही है। आज निर्णय लेने की क्षमता का पूरा लाभ मिलेगा। आप अपने घर के रिनोवेशन पर भी अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। परिवार में किसी सदस्य को रिटायरमेंट मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आपको किसी सरप्राइज पार्टी का आयोजन करना पड़ सकता है। घर में परिजनों का आना जाना लगा रहेगा। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आपकी बहसबाजी होने की संभावना है इसलिए आप बहुत ही तोल मोल कर बोलें। आपने यदि अपनी सेहत में लापरवाही दिखाई तो बाद में आपको किसी बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी किसी नए काम को करने के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। कोई खुशखबरी सुनने से घर में उत्सव का माहौल रहेगा। कोई खुशखबरी मिलने से घर में उत्सव का माहौल रहेगा। पारिवारिक दायित्व भी पूरे होंगे। कोई भी वाहन अथवा प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करने से पहले सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करें तो निर्णय लेने में आसानी होगी। बड़े बुजुर्गों की सलाह और मार्गदर्शन आपके व्यावसायिक जीवन में काम आएगा। नए अवसरों को अमल में लाने के लिए आपको डेडिकेशन बढ़ाने की जरूरत होगी। मानसिक रूप से आ रहे उतार चढ़ाव की चिंता हो सकती है। परिवार से मिल रही आलोचना के कारण काम के लिए विश्वास की कमी हो सकती है। वक्त का ठीक से उपयोग करते हुए महत्वपूर्ण काम को दिन की शुरुआत में पूरा करें। युवाओं को काम से संबंधित अवसरों को गंभीरता से लेना होगा। ये अवसर दोबारा मिलना कठिन है। रिलेशनशिप में सुधार होने के बाद भी पुरानी गलतियां दोबारा होने की संभावना बन रही है।
लो बीपी और शारीरिक कमजोरी भी बढ़ सकती है। सावधानियां, दोपहर बाद किसी काम में व्यवधान आ सकता है, लेकिन कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी या लापरवाही करना ठीक नहीं है। सहज तरीके से अपने कार्यों को निपटाते चलें। समय अनुसार उचित कदम उठाने से परिस्थितियां संभल जाएगी। बच्चों को आपके मार्गदर्शन की जरूरत रहेगी। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच बेहतर सामंजस्य रहेगा। प्रेम विवाह के इच्छुक लोगों को शुभ समाचार भी मिल सकता है। अच्छा, आपको अपने बुजुर्ग रिश्तेदारों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। आपके अन्य कार्यों में व्यस्त होने की संभावना है, जिसकी वजह से आप अपने साथी को समय नहीं दे पाएंगे, परंतु आपको अपने साथी से बहुमूल्य व्यवहारिक और भावनात्मक समर्थन मिलेगा। आपका साथी आज वित्तीय मामलों में भी आपकी मदद कर सकता है, इसलिए अपनी प्रशंसा दिखाना ना भूलें, चाहे वह एक लघु रूप में ही क्यों ना हो। ससुराल वाले की तरफ से कोई खुशखबरी अपने अहंकार को दूर कर सकती है। परेशानियों का सामना करना सच्चे साथी की निशानी है। आपके सकारात्मक रवैये की वजह से आज आपको सहयोगियों और वरिष्ठों का पूरा समर्थन मिलेगा। आप अपनी सफलता का जश्न अपने हमसफर के साथ मनाइए और कुछ ऐसा वक्त उनके साथ बिताइए जो आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय होगा। अंतरंगता के लिए प्यार के साथ साथ संबंधों में विश्वास का होना भी जरूरी है। बात करते हैं करियर की। आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण आपको आर्थिक रूप से समृद्ध होने में मदद करेगा। अपने आप को किसी वाद विवाद से दूर रखें। शत्रु पक्ष भारी है, इसीलिए शुभ अवसर का इंतजार करें। आत्मविश्वास वह महत्वपूर्ण कुंजी है जो शैक्षणिक सफलता के लिए अति आवश्यक है। आपका आगे बढ़ने का रवैया आसपास के लोगों से आपके समर्थन प्रदान करेगा। आपके थका देने वाले काम के परिणाम भी शानदार होंगे। मेहनत आपको प्रसिद्धि और पहचान दिलाएगी, जैसा आप चाहते हैं। बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। याद रखें, सभी की मृत्यु निश्चित है, लेकिन बड़ी उपलब्धियां इंसान को अमर बना देती है, अर्थात उनको सभी याद करते हैं। अनुशासन और कड़ी मेहनत आपके विशिष्ट गुण हैं। आज अपने कार्य क्षेत्र से आपका मोह भंग हो सकता है, क्योंकि आपको लगेगा कि आपका करियर रुक सा गया है। हालांकि कड़ी मेहनत हमेशा साथ देती है, आप सही रास्ते पर हैं। अब महत्वपूर्ण है कि इस पद के साथ आप रहें। चमकती हुई परियोजनाओं में निवेश न करें या ज्यादा उत्साह में न आए, क्योंकि आपका निर्णय गलत साबित हो सकता है। बिजनेस में पिछले कुछ समय से किए बदलाव, उनका उचित परिणाम हासिल होगा। स्टाफ का सहयोग मिलने से प्रोजेक्ट पूरा करने में भी सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में डील करते समय बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। बात करते हैं सेहत की। आपकी शारीरिक सेहत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मानसिक तनाव की वजह से काफी तनाव और आलस्य महसूस कर रहे हैं। आप आज ऐसे किसी भी काम में भाग नहीं लेना चाहते हैं। आराम से दिन बिताएं, खूब पानी पिएं और कल सुबह तरोताजे उठने के लिए पर्याप्त नींद भी लें। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें, बहुत शुभ रहेगा। फलों का दान करें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।